दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय आरएसएम ट्रेडिंग कंपनी राजगढ़। एक समय था जब जिला सिरमौर का गिरिपार क्षेत्र अदरक की फसल के लिए मशहूर हुआ करता था। अदरक की फसल किसानों की आजीविका चलाने का मुख्य साधन थी, मगर पिछले कुछ वर्षों से अदरक में सड़न रोग के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ, जिससे किसानों की आर्थिकी डगमगा गई। अब दो वर्षों से अदरक के दाम ना के बराबर होने से किसानों की कमर टूट चुकी है। गौरतलब है कि सिरमौर में करीब 1500 से 1800 हेक्टेयर पर किसानों द्वारा अदरक का उत्पादन होता है। इस वर्ष फसल अच्छी हुई है, मगर दाम ना के बराबर है। पुराना अदरक 3 से 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडियों में मिल रहा है, जबकि नया अदरक 10 से 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। किसानों का कहना है कि इतने कम दामों में तो मेहनताना मजदूरी व भाड़ा भी पूरा नहीं हो रहा है, यानी दवाइयों, खाद, गोबर, बीज भी जेब से ही भरना पड़ रहा है। इस साल अदरक जो है इस क्षेत्र में बहुत ही रेट बिल्कुल डाउन है, ना के बराबर। जो ये आप देख रहे हैं, ये जो है 3-4 रुपए किलो भी जो है आड़ती नहीं ले रहे हैं, और किसानों का जो है इसमें बीज का पैसा भी पूरा नहीं होना है। और जो ये नया अदरक है ये भी 8-10 रुपए किलो ही मात्र जा रहा है। इस क्षेत्र में करीब 150-200 हेक्टेयर पे जो है किसानों ने अदरक की बिजाई की हुई है, और उम्मीद थी कि इस बार रेट बढ़ेंगे, लेकिन इस बार बिल्कुल भी पिछले साल से भी रेट जो है डाउन आ चुके हैं और किसान जो है बहुत हताश है। अदरक के जो रेट है हम 3-4 रुपए किलो खरीद रहे हैं, और जो पुराना अदरक है वो तो 3-4 रुपए खरीद रहे हैं, और वो आगे मार्केट में नहीं बिक रहा है। फिर कारण क्या है, क्यों नहीं बिक रहा है? कारण ये है कि एक तो बेंगलोर से बहुत अदरक आ रहा है, और इस वजह से हमारा अदरक नहीं बिक रहा है। और एक फसल भी बहुत ज्यादा है अदरक की, इस बार अदरक कितनी फसल है कि बहुत ज्यादा है, कोई पूछ ही नहीं अदरक मार्केट में। जहाँ भी पूछ रहे मार्केट में आके मना करते हैं कि नहीं अदरक नहीं भेजना। और जो बड़ी अदरक है, मोटा अदरक है, कुछ लोगों ने बीज के लिए डाल दिया, खातियों में डाल दिया, और जो बचा हुआ है उसको मार्केट में भेज रहे हैं। मार्केट में इसकी कीमत अभी 4-5 रुपए किलो बिक रहा है, और अदरक के बहुत ही बुरे हाल है इस टाइम। पिछले साल क्यों बिका कम? पिछले साल भी फसल बहुत ज्यादा थी, बेंगलोर बहुत आ रहा है, बेंगलोर की वजह से। कोरोना का इफेक्ट पड़ा था पिछले साल? नहीं, कोरोना का तो कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर, परंतु ये है कि फसल जब ज्यादा है तो मार्केट में इसका रेट कम ही लोगों को मिल रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नोहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी, राजगढ़ में खुला सोमानी टाइल्स व बाथवेयर का शोरूम। राजगढ़, पझौता, नोहराधार व हरिपुरधार आदि क्षेत्र के लोगों को सोमानी टाइल्स व बाथवेयर के सामान के लिए अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। शोरूम के मालिक राकेश मैनी व राजन मैनी ने बताया कि सोमानी शोरूम में कंपनी के अत्याधुनिक डिजाइन व साइज की टाइल्स व बाथरूम फिटिंग्स उपलब्ध हैं। शोरूम में हार्डवेयर की विस्तृत रेंज सस्ते व उचित दामों में उपलब्ध है। राजन मैनी ने बताया कि आरएसएम ट्रेडिंग शोरूम राजगढ़ द्वारा पहले ही कामधेनु सरिया, एसीसी सीमेंट, टाटा ड्यूराशाइन शीट्स, अपोलो व फिनोलेक्स पाइप्स आदि हार्डवेयर का सामान परवाणु व पिंजौर के रेट में उपलब्ध करवाया जा रहा है, और अब उनके शोरूम में सोमानी का ब्रांडेड सामान भी हिमाचल में सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। राजन मैनी बताते हैं कि वो कई दशकों से ग्राहकों को बेहतरीन व गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, जिसकी बदौलत आरएसएम ट्रेडिंग कंपनी लोगों की पहली पसंद है। सुंदर व मजबूत घर बनाने के लिए आज ही आएं आरएसएम ट्रेडिंग कंपनी राजगढ़।